हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र इन्फो चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्रेन से लोडिंग और ऑफलोडिंग के बारे में ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दो क्रेन से टेंडम लिफ्टिंग किया हुआ है और टेंडम लिफ्टिंग करके, और ये जो आपको जो सामने दिख रहा है वो कैंप है, कैंप को लोडिंग किया जा रहा है टेंडम लिफ्टिंग द्वारा। तो देखिए, ये एक दो क्रेन से सबसे पहले लिफ्टिंग कर लिया गया है, और लिफ्टिंग करके उसके बाद से ट्रक को बाइक से ला के और लिफ्ट के जो लोड है, लोड के नीचे ट्रक ला के खड़ा कर दिया जाता है, और उसके बाद से ये लोड को और ट्रक के ऊपर रखा जाता है। तो इसी तरह से ये जो आपको लोड जो दिख रहा है, जो क्रेन लिफ्टिंग किया हुआ है, उसको हम लोग लोडिंग किया जा रहा है। ये देखिए ट्रक, अब ये कैंप को जो उठाया गया है, रूम को जो उठाया गया है, उसके नीचे ये ट्रक को ला दिया गया। अब इसके ऊपर ये रूम को क्या है कि सेटिंग करके रख दिया जाएगा, ताकि दोनों तरफ से बराबर हो, कोई भी साइड में ज़्यादा बाहर ना निकला हो। ताकि क्या होता है कि अनबैलेंस रूम हो जाता है, तो फिर इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, रास्ते में ये गिरने का भी ये होता है अनबैलेंस होके। तो इसीलिए इसको एक बराबर करके रखा जाता है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से दोनों तरफ एकदम सेम पोजीशन में रख दिया गया है, और रख के अब ये क्रेन का जो सीलिंग है उसको छुड़ा दिया गया है। अभी ये लिफ्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, और अब दूसरे लिफ्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, अब इसमें ड्राइवर चैन बांध के और इसको सिक्योर कर लेगा, और सिक्योर करके फिर लेके जाएगा। अब ये जैसे दूसरा लिफ्ट आप देख रहे हैं, सेम प्रोसीजर वही है, दो क्रेन से इसको उठाया गया है, उठा के और उसको फिर लोबेट आएगा, लोबेट जो है इसके नीचे आएगा और उस पर सेम प्रोसीजर से रख दिया जाएगा। और हमें इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि जो लोबेट पे हम लोड रख रहे हैं, उसमें एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम ना हो, दोनों तरफ सेम बराबर रखा जाता है। तो सेम बराबर रखने से यह होता है कि लोड अनबैलेंस नहीं होता है, और लोड का जो वेट होता है वो चारों तरफ सेम होता है। तो इसी प्रोसीजर से ये लिफ्टिंग किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक मड टैंक को उठा रहे हैं। ये जो भी लिफ्टिंग हो रही है, सब रिग का लिफ्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये मड टैंक है, इसको मड टैंक कहा जाता है। इसमें क्या केमिकल को इसमें घोल के और मड बनाया जाता है, जो ड्रिलिंग के टाइम में ड्रिलिंग में यहाँ से मड जाता है, तो इसको मड टैंक बोलते हैं। तो ये मड टैंक है, और इसको हम लोग दो क्रेन से लिफ्टिंग किए हैं, टेंडम लिफ्टिंग किए हैं, और अभी लोबेट पे इसको हम लोड करेंगे। तो अब इस लिफ्ट को हम लोग उठा के और होल्ड करके रखे हुए हैं। अब नीचे से अब लोबेट आएगा, लोबेट इसके नीचे आ जाएगा, बैक से लोबेट आता है और नीचे आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर जो है ये लोड को सही तरीके से रख देंगे। देखिए, जैसे ये लोबेट आ रहा है, ये लोबेट को कभी भी हम लोग बैक में मंगाते हैं, ताकि ज़्यादा हाइट उठाना ना पड़े। तो बैक से आएगा तो सिर्फ लोबेट के जो लोबेट है उससे थोड़ा सा हाइट उठा देते हैं, तो आराम से लोबेट इसके नीचे आ जाता है। नहीं तो अगर इसका जो अगर सामने से अगर इसको मंगाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हाइट उठाना पड़ेगा, और वो सेफ नहीं होता है। इसीलिए कभी भी लोबेट को बैक से ला के उसको लोड किया जाता है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मड जो मड का टैंक है इसको हम लोग लोड कर दिए हैं, और लोड करके और जो है कि इसको दोनों तरफ सेम गैप रखा जाता है, यानी जितना दूरी इधर है सेम गैप रखा जाता है, यानी जितना एक साइड में गैप है उतना ही दूसरे साइड में भी गैप रखा जाता है, ताकि ये मड टैंक लोबेट पे एकदम बराबर रहे। तो ये देखिए लोड हो चुका है, इसके बाद में ये हम लोग जनरेटर की लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो जनरेटर की लिफ्टिंग सेम वही है, दो क्रेन से हम लोग उठा रहे हैं और पीछे से, और लोबेट को बैक से लाया जाता है, बैक से लाया जाएगा और जनरेटर को हम लोग उठा कर रखेंगे और बैक से इसका लोबेट आएगा और इसके नीचे लोबेट को ला के और फिर इसके ऊपर में फिर इसे रख दिया जाता है, जैसा कि ये वीडियो में मैं आप देख सकते हैं। देख रहे होंगे ये क्रेन के लेफ्ट साइड के क्रेन के बाजू से देखिए लोबेट को बैक में हम लोग ला रहे हैं, बैक में ये लोड के नीचे चला जाएगा और उसके ऊपर फिर हम लोग ये जनरेटर है जनरेटर को रख दिया जाएगा। और ये जो लिफ्टिंग है इसका नाम है टेंडम लिफ्टिंग। जब भी एक क्रेन से ज़्यादा जब क्रेन लगता है, जैसे दो क्रेन, तीन क्रेन, चार क्रेन, अगर दो क्रेन है तो टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं, और तीन क्रेन, चार क्रेन, पांच क्रेन है तो उसको मल्टीपल लिफ्ट कहा जाता है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है यहाँ पे, इसको सिग्नल देने के लिए अथॉरिटी एक रिगर होता है जो कि सर्टिफाइड होता है, रिगिंग का कोर्स किया हुआ होता है और उसका रिगिंग का कार्ड बनता है, यहाँ सऊदी अरबिया में आरामको का कार्ड बनता है रिगर वन का। और ये लेवल वन का जो रिगर है वही लिफ्ट ये करा सकता है और उसको अथॉरिटी होती है सिग्नल देने की, बाकी दूसरा कोई भी सिग्नल नहीं दे सकता, ऐसा रूल है यहाँ पे। तो ये रिगर हम लोगों को सिग्नल देता है लिफ्टिंग करते समय, तो उसी का सिग्नल हम लोग फॉलो करते हैं, या कोई भी क्रेन ऑपरेटर है तो जब भी टेंडम लिफ्ट करेगा रिगर पे, या आरामको प्रोजेक्ट है कहीं, रिफाइनरी है या रिग है, तो रिगर वन ही वहाँ पे लिफ्टिंग कराने के लिए उसको डिसाइड किया जाता है, रिगर वन ही आके वो लिफ्टिंग को कराता है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं ये लोड होके ये जनरेटर को अभी लोबेट पर लोड कर दिया जा रहा है, लोड कर दिया गया है और जनरेटर जा रहा है। तो इसी तरह से ये वन बाय वन करके हर लिफ्ट को हम लोग लिफ्टिंग करते हैं और लोडिंग करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ मेरे दोस्त हैं वो मुझे कमेंट करके कहते हैं कि लिफ्टिंग का भी वीडियो बनाइए, कुछ दोस्त मुझे ये भी बोलते हैं लाइफ लिफ्टिंग बनाइए। तो लाइफ लिफ्टिंग का वीडियो बनाना तो संभव नहीं है, क्योंकि क्रेन चलाते समय मोबाइल चलाना अलाउड नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कि वीडियो बनाऊँ और वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि लिफ्टिंग किस तरह से किया जा रहा है और कैसे इसकी लिफ्टिंग किया जाता है। तो दोस्तों लिफ्टिंग का, टेंडम लिफ्टिंग का यही प्रोसीजर है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, दो क्रेन से लिफ्टिंग किया जाता है और इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रक पर लोड किया जाता है। तो देख जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोबेट देखिए बैक साइड से इसको लाया जा रहा है बाइक में और लोड के नीचे लाया जाता है, जो भी लिफ्टिंग के लिफ्ट के नीचे लाया जाता है और उस लिफ्ट को वो ट्रक के ऊपर लोबेट के ऊपर उसके लोबेट के अनुसार रख दिया जाता है, ताकि सेफ्टी से वो जो लोड है वो चला जाए एक जगह से दूसरे जगह।
दोस्तों, अगर जो भी क्रेन ऑपरेटर हैं, अगर वो लिफ्टिंग करते हैं, अच्छी लिफ्टिंग करते हैं, अगर वो वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना के जैसे मैं लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, वैसे अगर वो भी वीडियो बना के और दूसरे तक शेयर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में उनका वेलकम है। आप लोग आके मेरे चैनल में आप लोग वीडियो बना के डाल सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल पे आप लोग शेयर कर सकते हैं कोई भी वीडियो बना के, और आप पार्टनर बन सकते हैं मेरे चैनल पे मेरे से। तो ऐसा कोई भी ऑपरेटर है जो अपने नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और शेयर करना चाहता है और ऐसी ही वीडियो बना के दूसरों को नॉलेज देना चाहता है तो मेरे चैनल पे उसका वेलकम है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर मेरे से अगर चैनल पे पार्टनरशिप भी मांगते हैं तो मैं उसके लिए भी एग्री हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। और जो भी क्रेन ऑपरेटर हैं जो ये सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझसे जुड़िए, मुझसे बात करिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि टेंडम लिफ्टिंग के बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे, तो ये वीडियो के जरिए अभी वो जान चुके होंगे कि टेंडम लिफ्टिंग कैसे किया जाता है, दो क्रेन से टेंडम लिफ्टिंग होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को दबाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि और भी लोगों को नॉलेज मिल सके। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है या कोई भी बात है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आपने ये वीडियो को वॉच किया और देखा और समझा।